जाली हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा मारा है। आज मुल्क पर एक ऐसी शख्सियत को मुसल्लत किया गया है जो नाम जमहूरियत का लेता है, लेकिन उसने चादर आमिरियत की ओढ़ी हुई है। नाम रियासत मदीना का लेता है, लेकिन पाकिस्तानियों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया है। नाम इंसाफ का लेता है, लेकिन उस इंसाफ के लिबादे में मुखालिफीन के साथ जुल्म जबर का रवा रखा है। नाम एहतसाब का लेके नेप के जरिए से अपोजिशन क्यादत की पगड़ियां उछाल रहा है, और जो असल डाकू है, असल चोर है, उनको अपने बगल में लिए हुए है। चीनी चोर, आटा चोर, आलू चोर, प्याज चोर, दाल चोर, सिमट चोर, अदवियात को चोरी करने वाले और उनकी कीमतें आसमान तक पहुंचाने वाले, ये है आज के हुक्मरान। पीडीएम इन हुक्मरानों के खिलाफ जो जाली भी है, सिलेक्टेड भी है, नाअहल भी है, नालायक भी है, इनका तख्ता उलटने के लिए आपके पास आई है। और मैं समझता हूं कि आपने एक ऐसा रद्द अमल दिया है कि इमरान क्या उसके जद्द अमजद जो उनको सहारा दिया हुआ है वो भी इंशाल्लाह याद रखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जब भी हम तहरीक शुरू करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, तो वो नेप को मुताबिक करते हैं, डराने धमकाने
और खौफजदा करने की बातें करते हैं। ये नैब की बात हमारे खिलाफ कब से चल रही है? नैब क्या होता है? हमने तो इनके आबा अजदाद जिनकी ये बूट पॉलिश करते थे उनसे तारीखी जंगें लड़ी है, लेकिन कभी हमारे किरदार में झोल नहीं आया, न हम झुके न हम भिके। आज नैब के कवानीन अगर सिर्फ मेरी इज्जत और पगड़ी को उछालने के लिए है तो मैं उन कवानीन को जूते की नोक पे रखता हूँ। मेरे भाइयों, हम इंसाफ का बोलबाला देखना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ इनसे नहीं होगा। ये जाली है और जिस मकसद के लिए इनको लाया गया है वो मकसद भी आपके सामने है। कश्मीर को इन्होंने बेच दिया। कल कश्मीर के हवाले से पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई। मैंने कहा हम हर साल एक करारदाद पेश करके रोना धोना होता है। 70 साल से हम कश्मीरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के नाम के वो बेचारे शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपने आखिर में जाके कश्मीरियों का सौदा कर दिया, कश्मीरियों को बेच दिया। तुमने कहा था कि अगर मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। तुमने कहा था कि मकबूजा कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। आज रोते क्यों हो? ये मगरमच्छ के आंसू बहाते क्यों हो? तुमने कश्मीर बेचा है और तुम्हारे साथ जो लोग इस वक्त खड़े हैं वो भी इसमें आपके मददगार हैं। वो ये न कहें कि जी हम तो बिल्कुल में अलग थलग हैं। मैं इल्जाम लगाता हूं कि अगर तुम साथ नहीं थे तो फिर ऐसा क्यों हुआ जब 1947 से लेकर अब तक जब साथी तो कभी जरूरत नहीं हुई हिंदुस्तान को, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह मुश्तरक मंसूबा था जो तुमने अदा किया। बहर के वक्त चूंकि कब है, मैं फिर सलूट करता हूँ आपको। जिस तरह आपने रद्दअमल दिया है, जिस बड़ी तादाद में आपने शिरकत की है, मैं दुरानी साहब और उनकी पूरी टीम को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और पीडीएम के बल्लू के और गिरदुनवा के तमाम कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। मैं स्टेज पर मौजूद साबिक एमएलए